गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप लोग? आज की केमिस्ट्री क्लास में हम लोग ये डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने पिछली क्लासेस में रासायनिक गुणधर्म पढ़े और रासायनिक गुणधर्म में मैंने SN1 अभिक्रिया और SN2 अभिक्रिया आपके साथ आपको एक्सप्लेन किया कि SN1 अभिक्रिया क्या होती है और SN2 अभिक्रिया क्या होती है, डिटेल में समझ लिया। अब इसके बाद आज की क्लास में हम हेलो एल्केन्स की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को डिस्कस करेंगे कि हेलो एल्केन किन किन अभिकर्मकों के साथ अभिक्रिया करके नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है, है ना। तो हेलो एल्केनो के नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जो हेलो एल्केन देंगे, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप जानते हो कि हेलो एल्केन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देगा, तो नाभिक स्नेही अभिकर्मक हेलो एल्केन के हेलोजन को हटा के उसका स्थान लेगा। तो हेलोजन किस नाभिक स्नेही अभिकर्मक द्वारा प्रतिस्थापित हो सकता है, तो उसमें पहला जो है अभिक्रिया जो है वो है OH समूह द्वारा प्रतिस्थापन, OH समूह द्वारा प्रतिस्थापन। देखिए, अगर OH समूह से हेलोजन को प्रतिस्थापित करना है, हेलो एल्केन के हेलोजन को, तो हमें अभिक्रिया करानी पड़ेगी जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ या जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ या नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ, इन अभिकर्मकों के साथ अभिक्रिया करानी पड़ेगी। तो देखिए, इसमें अभिक्रिया होगी RCH2X एल्किल हैलाइड, इसको अभिक्रिया कराइए जलीय NaOH यानी एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ या एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ या मॉइस्ट मतलब नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ यह अभिक्रिया कराएंगे। तो नम सिल्वर ऑक्साइड मतलब सिल्वर ऑक्साइड के साथ जल उपस्थित है, तो सिल्वर ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके सिल्वर हाइड्रोक्साइड बना देगा। तो इसके साथ अभिक्रिया करेंगे तो इनके हाइड्रोक्सिल समूह X को प्रतिस्थापित कर देंगे, SN2 अभिक्रिया होगी, तो RCH2OH और अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराए तो सोडियम हैलाइड बनेगा या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराया है तो पोटेशियम हैलाइड बनेगा और नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराई है तो सिल्वर हैलाइड बनेगा। ठीक है, इनमें से कुछ भी बन सकता है, जिससे अभिक्रिया कराई वही बनेगा साथ में। NaOH से कराई है तो NaX, KOH से कराई है तो KX और मॉइस्ट सिल्वर नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराई है तो सिल्वर हैलाइड बनेगा। ये अभिक्रिया SN2 मैकेनिज्म से होती है, SN2 इसकी क्रियाविधि है, तो ध्यान रखने योग्य बात है क्योंकि SN2 में अटैक होता है बैक साइड से, नाभिक स्नेही अभिकर्मक सबस्ट्रेट के अनुपर बैक साइड से अटैक करता है, तो अगर कार्बन पे बल्कि समूह उपस्थित होंगे तो वो उसको स्टेरिक अवरोध उत्पन्न करेंगे और नाभिक स्नेही अभिकर्मक कार्बन पे अटैक ना करके उन बल्कि समूहों पर अटैक करके उनसे हाइड्रोजन ले लेगा, तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया ना होकर विलोपन अभिक्रिया हो जाएगी, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, CH3CL और इसको आपने जलीय NaOH से अभिक्रिया करा दिया, तो OH- N स्टेप वन,
OH माइनस आयन SN2 अभिक्रिया है, सॉरी एक ही स्टेप में होती है। तो OH माइनस आयन, ये देखिए ये बल्कि समूह है, एक को ओपन करते, ये बड़े बड़े समूह है, तो बड़े बड़े समूह ये कार्बन को बंद कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे चारों तरफ से। तो OH समूह कार्बन पे अटैक नहीं कर पाएगा बल्कि इन CH3 के संपर्क में आएगा। तो ये OH समूह इसके संपर्क में आया तो ये इलेक्ट्रॉन कार्बन को देगा और ये Cl- यहां से निकल जाएगा। तो ये देखिए ये जब प्रक्रिया होगी तो मैं डायरेक्टली दे रहा हूं Cl- निकल गया और ये इस पे अटैक किया तो ये क्या बन गया, ये जल का अणु बन गया, यहां माइनस यहां प्लस डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH3 नीचे वाले CH3 को उधर लिख दे रहा हूं, ठीक है, और प्लस जल का अणु बन जाएगा और साथ में सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। तो क्योंकि SN2 मैकेनिज्म से अभिक्रिया होती है इसीलिए यहां पर एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा ना कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो इस बात का ध्यान रखना है क्योंकि ये SN2 क्रियाविधि से, इसकी जो क्रियाविधि है वो SN2 है ना, बैक साइड से नाभिक से ही अभिकर्मक अटैक करता है। नोट करिए इसको, जबकि अगर इसी की जगह प्राइमरी हैलाइड हो CH3 CH2 Br और प्लस जलीय NaOH से अभिक्रिया कराई जाए तो OH Br को आसानी से हटा देगा, SN2 अभिक्रिया यहां भी होगी और ये CH3 CH2 OH बन जाएगा और NaBr बन जाएगा। तो ये आसानी से हो जाएगी, ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी, ये एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा, SN2 नहीं एलिमिनेशन रिएक्शन, इसको कहते हैं इवन रिएक्शन। इसको जब हम एलिमिनेशन पढ़ेंगे इसी चैप्टर में पढ़ेंगे तो वहां मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। दूसरी अभिक्रिया पर चर्चा करते हैं, दूसरी अभिक्रिया एल्कॉक्सी समूह, इसको एल्कॉक्सी समूह द्वारा प्रतिस्थापन, इस अभिक्रिया को कहते हैं विलियमसन संश्लेषण। विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन संश्लेषण, देखिए विलियमसन संश्लेषण ने अभिक्रिया एल्कॉक्सी समूह से OH समूह, सॉरी हैलाइड समूह का प्रतिस्थापन होगा। एल्कॉक्सी समूह जैसे सोडियम एल्कॉक्साइड पोटेशियम एल्कॉक्साइड इनसे होता है। तो ये देखो जब एल्किल हैलाइड सोडियम या पोटेशियम, सोडियम या पोटेशियम एल्कॉक्साइड एल्कॉक्साइड से अभिक्रिया करता है तो एल्कॉक्साइड
समूह मतलब ओ आर समूह एल्किल हैलाइड से हेलोजन समूह को प्रतिस्थापित कर देता है और ईथर बनाता है। इस अभिक्रिया को विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। कहने का मतलब है कि देखिए ये एल्किल हैलाइड है, ये एल्कोक्साइड समूह RCH2O-Na+ सोडियम एल्कोक्साइड नाम है इसका, सोडियम एल्कोक्साइड। इससे जब अभिक्रिया करता है तो जो एल्कोक्सी समूह होता है, ये देखिए ये नाभिक स्नेही अभिकर्मक है, बोलिए नाभिक स्नेही अभिकर्मक है और इस पे माइनस चार्ज होते तो ये अटैक करके एक्स को रिप्लेस कर देता है SN2 अभिक्रिया के माध्यम से। तो RCH2 एक्स हट गया, जुड़ेगा कौन से जिस पे माइनस चार्ज है, तो O जुड़ेगा और O से क्या जुड़ा है CH2R। तो ये बन गया क्या, ईथर। क्या बन गया, इसको कहते हैं ईथर। और प्लस सोडियम हैलाइड SN2 अभिक्रिया के माध्यम से अभिक्रिया होगी। तो SN2 अभिक्रिया से अगर अभिक्रिया होगी तो एल्किल हैलाइड क्या है, सबस्ट्रेट का अणु है और ये अभिकर्मक है। अभिकर्मक में भी एल्किल समूह है और एल्किल हैलाइड में भी एल्किल समूह है, लेकिन इसको अटैक करना है तो इस पे बाउंडेशन नहीं है। जिस पे अटैक हो रहा है वो SN2 अभिक्रिया से अभिक्रिया दे रहा है, तो इस पर स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक अवरोध नहीं होना चाहिए। इस अभिक्रिया के लिए एल्किल हैलाइड के एल्किल हैलाइड का एल्किल समूह प्राथमिक होना चाहिए, जबकि एल्कोक्साइड का एल्किल समूह प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक हो सकता है। भाई इसको अटैक करना है, वो कितना भी बड़ा हो उससे क्या फर्क पड़ता है, वो अटैक कर ले। लेकिन अगर यहां पे एल्किल हैलाइड पे बल्कि समूह उपस्थित होने लगे तो ये स्टेरिक अवरोध उत्पन्न करेंगे और इसको अटैक करने नहीं देंगे, तो अभिक्रिया का उत्पाद जो बनना चाहिए वो ना बनके कोई दूसरा बन जाए। उदाहरण के लिए मैं आपको देता हूं, पहले इसको नोट करिए। तो देखिए इन कंडीशंस में ये जो कंडीशन है ये इंपॉर्टेंट है कि विलियमसन संश्लेषण से ईथर जो हमें बनाना है वो इन्हीं कंडीशंस में बनेगा कि जो एल्किल हैलाइड है उसका एल्किल समूह सिर्फ प्राथमिक होना चाहिए और जो एल्कोक्साइड है एल्कोक्साइड का एल्किल समूह प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो चाहे टर्शरी हो
वो विलियमसन संश्लेषण से ईथर बनाएगा। जैसे उदाहरण के लिए लेते हैं, जैसे देखिए उदाहरण लेते हैं CH3CH2Br प्राइमरी एल्केहलाइड है, ठीक। इसको अब क्या कराया हमने CH3CH2O-Na+ से, इसमें भी प्राइमरी हैलाइड एल्किल ग्रुप है, तो ये SN2 अभिक्रिया के माध्यम से ईथर बनाएगा। ध्यान रखिएगा कि एल्किल हैलाइड से हैलोजन हटेगा और उसकी जगह जो नाभिक स्नेही केंद्र है वो जुड़ेगा, ये नहीं कि अब इसको हटा के CH3 को जोड़ दो सीधे, जिस पे माइनस चार्ज है वो जुड़ेगा। तो CH3CH2 O जुड़ा इससे, तो O और O से जुड़ा है CH2CH3 प्लस NaBr, तो ये उत्पाद बन गया। दूसरा देखिए CH3Cl है, ये भी प्राइमरी एल्केहलाइड है, कोई समस्या नहीं है, और यहां पे हमने इसको तृतीयक ले लिया, तृतीयक O-Na+, तो यहां भी SN2 अभिक्रिया बहुत आसानी से हो जाएगी और ये ऑक्सीजन Cl को हटा के उसका स्थान ले लेगा। तो CH3 के साथ कौन जुड़ा, ये ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से ये पूरा समूह जुड़ा है, तो इस पूरे समूह को ऐसे ही हम जोड़ देंगे। सोडियम क्लोराइड, ठीक है, अगर हम यहां पर तृतीयक ले लें तो समस्या उत्पन्न हो जाएगी, यहां पर एल्किल हैलाइड को तृतीयक ले लें और इसको प्राथमिक ले लें, बहुत छोटा सा ले लिया, तो यहां पर ये ग्रुप जाके पीछे अटैक करेगा और जब पीछे अटैक करेगा तो किसी CH3 के संपर्क में आएगा, कार्बन तक नहीं पहुंच पाएगा, क्यों, स्टेरिक अवरोध की वजह से कार्बन तक नहीं पहुंच पाएगा, तो किसी CH3 से, जैसा अभी हमने पीछे बताया था, मान लो इस CH3 से आया तो इस CH3 का हाइड्रोजन इस पे ये अटैक करेगा, हाइड्रोजन ले लेगा और ये इलेक्ट्रॉन यहां दे देगा और ये Cl- निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH3 और ये देखिए CH3O- को H+ मिल गया, तो बन जाएगा CH3OH और NaCl। तो क्या हो गया, E1 अभिक्रिया हो गई, एलिमिनेशन रिएक्शन हो गया। बोले ठीक है, अभिक्रिया तो होगी, ऐसा नहीं कि अभिक्रिया नहीं होगी। एक और इंपॉर्टेंट बात, दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये, ये अभिक्रियाएं हम आपको अलग अलग दिखा रहे हैं, चौथा नोट करके मैं दे रहा हूं, अगर एल्किल हैलाइड हेलोएरीन है, क्या है, हेलोएरीन, और ये एल्कोक्साइड, तो अभिक्रिया नहीं होगी क्योंकि हेलोएरीन विलियमसन संश्लेषण नहीं देता, है ना, नो रिएक्शन। लेकिन अगर यही बेंजीन रिंग एल्कोक्साइड में हो तो विलियमसन संश्लेषण होगा और ईथर बनेगा। ये CH3Cl हो, एल्केहलाइड हो, और ये बेंजीन रिंग एल्कोक्साइड में हो, O-Na+, तो यहां पर ये CH3 पर अटैक करेगा तो CH3 O बेंजीन रिंग इससे जुड़ जाएगा और NaCl बन जाएगा, इसका नाम है एनिसोल।
एनिसोल। बोलो समझ मेरी बात। तो ये विलियमसन संश्लेषण की सीमाएं हैं कि कहां तक विलियमसन संश्लेषण से ईथर बनेगा और कहां पर ईथर नहीं बनेगा। ध्यान रखिएगा कि बेंजीन रिंग अगर लेना है तो उसको हेलो एलके मतलब एरिल हैलाइड नहीं ले सकते, बल्कि बेंजीन रिंग को एल्कोऑक्साइड में ले सकते हैं विलियमसन संश्लेषण द्वारा ईथर बनाने के लिए। नोट करिए इसको। चलिए तीसरा अभिक्रिया पे आते हैं विलियमसन संश्लेषण के बाद। ये एल्कोऑक्साइड समूह से प्रतिस्थापक था। तीसरा थायो एल्कोहल एसएच समूह द्वारा प्रतिस्थापन, एसएच समूह द्वारा प्रतिस्थापन। जैसे एनएओएच से हम अभिक्रिया कराते थे वैसे ही एनएएसएच से अभिक्रिया कराएंगे। ठीक है, तो देखिए सभी बिल्कुल सेम एक ही पैटर्न पे होने हैं, इसलिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। आर डैश या एनएएसएच, एनएएसएच तो एसएच समूह, एसएच मैंने बताया था आपको कि ये इसकी नाभिक स्निग्धता ओएच माइनस से भी ज्यादा होती है, तो ये बहुत आसानी से एसएन टू अभिक्रिया द्वारा हेलोजन को हटा के उसका स्थान ले लेगा और NaH बन जाएगा। यह है थायो एल्कोहल, थायो एल्कोहल। जैसे एग्जाम्पल के लिए CH3CH2Br NaSH अभिक्रिया हुई तो CH3CH2SH बन गया और NaBr बन गया। बोले ठीक है। चौथा जैसे एल्कोऑक्साइड समूह था वैसे एसआर समूह द्वारा, एसआर समूह द्वारा प्रतिस्थापन, बिल्कुल उसी तरीके से सभी के साथ कहिए सभी एसएन टू अभिक्रियाएं हैं, है ना। तो ये देखिए आर सी एच टू एक्स आर एस माइनस एन ए प्लस, तो एस पे माइनस है तो एस आर को जुड़ जाएगा, आर डैश लीजिए तो आर सी एच टू एक्स हट गया, एक्स की जगह कौन जुड़ गया एस आर डैश वहां पर दिया, इसे कहते हैं थायो ईथर, थायो ईथर, थायो ईथर और एन ए एक्स निकलेगा, एन ए एक्स निकाल दीजिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए CH3CH2Br और CH3CH2S माइनस एन ए प्लस, तो ये हो जाएगा CH3CH2Br हटके S माइनस जुड़ जाएगा S CH2CH3 प्लस NaBr, डाई इथाइल थायो ईथर। क्या नाम हो गया इसका? डाई इथाइल थायो ईथर, डाई इथाइल थायो ईथर। नोट करिए इसको। देखिए पांचवा साइनाइड
या सिंपली मैं बता दूं आपको KCN और AgCN से अभिक्रिया, KCN या और AgCN से अभिक्रिया, इसमें साइनाइड आयन नाभिक स्नेही अभिकर्मक है। कौन अभिकर्मक है? नाभिक स्नेही अभिकर्मक है कौन? साइनाइड आयन। तो साइनाइड आयन का ध्यान समझिए, ये C ट्रिपल बॉन्ड N, नाइट्रोजन पर भी लोन पेयर है और कार्बन पर भी लोन पेयर है, क्योंकि कार्बन पे एक नेगेटिव चार्ज है। तो कार्बन इसमें ऋणावेशित नाभिक स्नेही केंद्र है और नाइट्रोजन उदासीन नाभिक स्नेही केंद्र है, उदासीन नाभिक स्नेही केंद्र है ना। लेकिन ध्यान समझने वाली बात है, दो दो नाभिक स्नेही केंद्र है, लेकिन जब यह अभिक्रिया करेगा तो या तो नाभिक स्नेही केंद्र का काम कार्बन करेगा या नाइट्रोजन करेगा, एक बार में दोनों से इलेक्ट्रॉन ये डोनेट नहीं करेगा, है ना। तो ऐसे नाभिक स्नेही अभिकर्मक जिनमें दो नाभिक स्नेही केंद्र हो परंतु एक बार में किसी एक नाभिक स्नेही केंद्र से ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, एम्बी डेंट नाभिक स्नेही अभिकर्मक कहलाते हैं। क्या कहते हैं? एम्बीडेंट नाभिक स्नेही अभिकर्मक कहलाते हैं, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल, है ना। तो ये साइनाइड जो है वो कैसा है? एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल है। ऐसे देखिए O माइनस N डबल बॉन्ड O, तो नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है और ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है, जिसकी वजह से इसके पास भी लोन पेयर है। तो ये ऋणावेशित सिंपल थोड़ा सा शॉर्ट में लिख देते हैं, नेगेटिव न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है और नाइट्रोजन न्यूट्रल न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। तो ये भी एम्बीडेंट नाभिक स्नेही अभिकर्मक है ना। इनमें जब कार्बन पे देखो, जब नेगेटिव चार्ज होगा तो नेगेटिव चार्ज वाला ही अटैक करेगा, लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज किसी वजह से नहीं होगा तब ये उदासीन नाभिक स्नेही केंद्र से अटैक करेगा। चलिए देखते हैं, जैसे
जैसे देखिए RCH2X दो अभिक्रियाएं करानी है, एक पोटेशियम साइनाइड से और एक सिल्वर साइनाइड से। देखो सिल्वर साइनाइड जो है वो संयोजी यौगिक है और ये आयनिक यौगिक है। आयनिक यौगिक है तो इस पे प्लस होगा, इस पे माइनस होगा, तो देखो कार्बन पे माइनस है तो अटैक कार्बन से करेगा, तो यहां पे देखिए R CH2 X हट जाएगा, कार्बन अटैक करेगा C ट्रिपल बॉन्ड N और पोटेशियम हैलाइड। तो साइनाइड बना एल्किल साइनाइड, एल्किल साइनाइड बन गया, लेकिन इस पे कार्बन देखो सहसंयोजी बंध द्वारा सिल्वर से जुड़ा हुआ है तो कार्बन पे माइनस चार्ज नहीं होगा, तब ये अटैक किससे करेगा, नाइट्रोजन से करेगा। तो आर सी एच टू कौन जुड़ेगा डायरेक्टली, नाइट्रोजन, तो ये बंध भी थोड़ा चेंज हो जाएगा, एक उप सहसंयोजी बंध बन जाएगा, इसे कहेंगे एल्किल आइसो साइनाइड, एल्किल आइसो साइनाइड। तो उत्पाद अलग अलग बन गए। इसी तरह देखिए छठा अभिक्रिया के एनओ टू और एजी एनओ टू से अभिक्रिया, के एनओ टू और एजी एनओ टू से अभिक्रिया बिल्कुल सेम है, पोटेशियम नाइट्राइड तो के प्लस ओ माइनस एन डबल बॉन्ड ओ, ये के एनओ टू है, आयनिक यौगिक है, और जब एजी एनओ टू आएगा तो ये देखिए एजी सिंगल बॉन्ड ओ एन डबल बॉन्ड ओ, तो ये सहसंयोजी यौगिक है, सहसंयोजी यौगिक है। तो यहां माइनस चार्ज है तो माइनस से अटैक होगा, तो आर सी एच टू ओ पे माइनस है तो ओ जुड़ेगा, एन डबल बॉन्ड ओ जुड़ेगा और साथ में बनेगा पोटेशियम हैलाइड, और इसमें माइनस चार्ज नहीं है तो अटैक किससे होगा, नाइट्रोजन से होगा, तो ये आर सी एच टू पे कौन जुड़ेगा, नाइट्रोजन जुड़ेगा, एक है डबल बॉन्ड ओ और इसके साथ बंध टूटेगा तो एक उप सहसंयोजी बंध बन जाएगा और सिल्वर हैलाइड बन जाएगा, यहां भी सिल्वर हैलाइड। यह है एल्किल नाइट्राइड, एल्किल नाइट्राइड, और यह है नाइट्रो एल्केन, नाइट्रो एल्केन। आया बात समझ में, यह होता है एम्बिडेंट नाभिक स्नेही अभिकर्मक, यह इंपॉर्टेंट था, नोट करिए इसको। अब देखिए सत्वा अभिक्रिया आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ समूह द्वारा प्रतिस्थापन, मतलब कार्बोक्सिलिक समूह द्वारा प्रतिस्थापन, इसके लिए सिल्वर कार्बोक्सिलेट से अभिक्रिया करानी पड़ती, सिल्वर
कार्बोक्सिलेट से। ये देखिए ये R CH2X है और ये R डैश, R डैश को अलग करने के लिए O माइनस AG प्लस अभिक्रिया होगी, तो O पर माइनस है तो जुड़ेगा कौन X की जगह पर, O माइनस जुड़ेगा, तो ये R यहीं से लिख देते हैं R C डबल बॉन्ड O O किससे जुड़ेगा CH2 R, ये R डैश है और प्लस सिल्वर हैलाइड। उदाहरण के लिए एक उदाहरण ले लेते हैं CH3 CH2 Br प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O O माइनस Ag प्लस सिल्वर एसिटेट, तो अभिक्रिया होगी तो CH3 C डबल बॉन्ड O O माइनस था तो CH2 जुड़ जाएगा ऐसे CH2 CH3 और सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, वैसे ही जहां माइनस चार्ज है वही ब्रोमीन को हटा के उसका स्थान लेंगे। ठीक है, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी माइनस समूह द्वारा प्रतिस्थापन, तो देखिए ये R CH2X है, R डैश C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस, Na प्लस सोडियम सॉल्ट के साथ, तो जिस पे माइनस है वो X को हटा देगा तो उत्पाद क्या बनेगा, देखिए R CH2 तो है ही तो R CH2 माइनस चार्ज किस पे है, कार्बन पे है तो कार्बन जुड़ेगा, कार्बन जुड़ा है ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से और ये R डैश और साथ में क्या बना NaX। ये विधि, इस विधि का प्रयोग करते हैं अगर कन्वर्जन में कार्बन की संख्या बढ़ानी हो, तो यदि कार्बन की संख्या दो रही होगी अब दो की जगह चार पांच होगी। ठीक है, जैसे देखिए उदाहरण ले लेते हैं जैसे आप ले लिया CH3 CH2 Br CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस सोडियम एसिटाइलाइड, तो ये देखिए CH3 CH2 Br को हटा के C माइनस जुड़ेगा C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस Na Br, इस तरह से कन्वर्ट कर लेंगे। NH2 समूह द्वारा प्रतिस्थापन, NH2 समूह द्वारा प्रतिस्थापन थोड़ी बड़ी अभिक्रिया है तो ध्यान से समझिए, देखिए जैसे एल्किल हैलाइड आपने लिया, इसको आपने अमोनिया के साथ हीट किया, अमोनिया के साथ, और एल्किल हैलाइड को अधिक में लिया, किसमें लिया, अधिक में ज्यादा मात्रा, तो ये NH2 ये देखिए खुद ही नाभिक से नहीं अभिकर्मक है, ये इस पर अटैक करके X को हटा देगा तो R NH3 इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पे आएगा प्लस चार्ज और X माइनस प्लस से जुड़ जाएगा। अब ये प्लस माइनस हटाने के लिए यहां से H प्लस निकाल देंगे, H प्लस तो NH2 हो जाएगा, R NH2 और H प्लस X माइनस से मिलके HX बना है। ये है प्राथमिक अमीन, प्राथमिक अमीन हो गया। अब आप देखिए जो काम अमोनिया कर रहा था अब वो काम प्राथमिक अमीन करेगा,
यह प्राथमिक अमीन आर एक्स, आपने आर एक्स को अधिक मात्रा में लिया तो भी बचा होगा, तो ये आर एन एच टू जो बना ये फिर आर एक्स पे अटैक कर देगा, फिर से इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो ये देखिए आर की जगह हो जाएगा आर टू एन एच टू प्लस एक्स माइनस, फिर से एच एक्स निकल जाएगा एच एक्स, तो आर टू एन एच प्लस एच एक्स बन गया सेकेंडरी द्वितीयक अमीन बन गया। क्या बन गए? द्वितीयक अमीन बन गया। अब द्वितीयक अमीन आर टू एन एच फिर से एल्किन हैलाइड पे अटैक करेगा, फिर से अटैक करेगा और फिर एक्स माइनस निकल जाएगा, तो अब आर थ्री एन एच एन एच प्लस हो गया और एक्स माइनस हो गया, फिर से एच एक्स निकल जाएगा, तो आर थ्री एन प्लस एच एक्स, तो ये बन गया तृतीयक अमीन। तृतीयक अमीन अभी भी इसके पास मोल पेयर है, तो ये अभिक्रिया को आगे जारी रखेगा, आर थ्री एन फिर से एल्किन हैलाइड पे अटैक करेगा, फिर ये इस पे अटैक करेगा, एक्स माइनस निकल जाएगा, तो आर फोर एन प्लस और एक्स माइनस। अब यहां से एच एक्स नहीं निकल सकता, हाइड्रोजन तो है ही नहीं, तो ये अंतिम उत्पाद है और इसको कहेंगे टेट्रा, टेट्रा माने चार एल्किल अमोनियम हैलाइड, टेट्रा एल्किल अमोनियम हैलाइड। इस टेट्रा एल्किल अमोनियम हैलाइड को अगर एल्किल की जगह मिथाइल समूह होता, कौन सा समूह होता? मिथाइल समूह होता, यानी कि CH3X लेते, ये देखिए CH3 होल 4 N प्लस, और मान लीजिए ये Cl माइनस होगा, इसको हमने R की जगह CH3 ले लिया और X की जगह Cl ले लिया, और इसको नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करा दिया। किसके साथ? नम सिल्वर ऑक्साइड मतलब सिल्वर हाइड्रोक्साइड, तो ये जो बनाएगा हाइड्रोक्सिल समूह इसको विस्थापित कर देगा, CH3 होल 5 N प्लस OH माइनस और सिल्वर क्लोराइड अलग बन जाएगा। अब इसको थोड़ा हीट किया जाए तो एक CH3 OH से जुड़ जाएगा, ये चार हो जाएगा, एक CH3 OH से जुड़ जाएगा तो CH3 OH, तो बचेगा CH3 होल 5 N और CH3 OH, ये तब जब मिथाइल समूह होगा। लेकिन अगर इसकी जगह इथाइल समूह हो, इथाइल समूह हो, तो इथाइल समूह में अगर आप नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाते हो तो एक CH2 CH3 निकल जाएगा, तो बचेंगे तीन, तो तीन से के साथ जो बनेगा वो तो हम जानते हैं कि होल थ्राइस N बन जाएगा। ठीक, ये पहले पूरा लिख लीजिए, होल फोर एन प्लस ओ एच माइनस और सिल्वर हैलाइड सिल्वर क्लोराइड। अब देखिए इसके आगे अगर इसको हीट किया जाए तो एक CH3 CH2 निकल जाएगा, तो बचेगा CH3 CH2 होल थ्राइस N। अब जो CH3 CH2 निकला, CH3 CH2 यहां पे निकला, ये प्लस, इसको ऐसे ऐसे बना दे, ये OH माइनस इस पे अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन वापस दे देगा, तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और जल का अणु बनेगा, तो एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाता है। कौन सा रिएक्शन? एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाता है। तो सौम भाई बात सबको, तो ये कहलाता है अमोनोलिसिस,
अमोनोलिसिस। तो ये हमने पढ़ लिया एल्किल हैलाइडों की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। हमने ये चीज नोटिस की कि सारी एल्किल हैलाइड की सारी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जो है वो SN2 मैकेनिज्म से होती है। SN2 उनकी क्रियाविधि होती है, SN1 क्रियाविधि से कोई रिएक्शन नहीं होता। ठीक है, तो मेरे सबको समझ में आया होगा एल्किल हैलाइड की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। अब हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे हेलोएरीन्स की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो मिलते हैं अगली क्लास में। इंपॉर्टेंट बात यह, मैं हर वीडियो में आपसे कहता हूं कि अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा उसको प्रेस करेंगे, बेल घंटी बन के आएगी, बेल आइकन पे प्रेस करेंगे तो ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस करना पड़ेगा, जिससे आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे और आपकी स्टडी बिना किसी रुकावट के चलती रहे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।